कॉजेस ऑफ मिसफायर इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में मिसफायर के क्या कारण है, अंडरग्राउंड माइंस में मिसफायर के कारण हम आपको भेजे हैं, ठीक है, मिसफायर का डेफिनेशन भेज दिए हैं, ठीक है। या तो ये आगे या पीछे अपलोड होगा, दोनों को पढ़िएगा तब जल्दी समझ आएगा, ठीक है। फिर भी कॉजेस को समझने के लिए यहां जो लिखा है वो तो हम बता देंगे, उसके पहले आप कैसे याद रखिएगा, कैसे चीजों को समझिएगा, उसके लिए हम यहां पे कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको देखिएगा क्या क्या इस्तेमाल होता है ब्लास्टिंग में। डिटोनेटर होता है ना जी, डिटोनेटर, एक्सप्लोसिव, या तो एसएमई होगा, एसएमएस होगा, या आपका एक्सप्लोसिव किस फॉर्म में होगा, एलडीएनपी फॉर्म में होगा, ओपन कास्ट में, मतलब एक्सप्लोसिव है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपका शॉर्ट फायरिंग केबल, एस केबल मतलब शॉर्ट फायरिंग केबल रहता है, नोनेल रहेगा, इनिशिएशन के लिए क्या रहेगा, नोनेल या डिटोनेटिंग फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज डीएफ जिसको बोलते हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज, इतना ही ना चीज रहता है, ठीक है। और हम जो डिटोनेटर का क्लासिफिकेशन बताए, टाइप्स ऑफ डिटोनेटर बताए, तीन प्रकार के, प्लेन डिटोनेटर, उसके बाद आपका डिले डिटोनेटर, और एक बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। तो जो प्लेन डिटोनेटर में दो टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप है आपका नोनेल, ठीक है। जैसे डीजे देशमुख साहब के बुक में बताए हैं वैसे नहीं बताए हैं, क्योंकि माइनिंग बहुत बड़ा चीज है, इसलिए बहुत जैसे रिसर्च और रिसर्च दोनों करना पड़ता है। हम जो बताए उसको एक बार देखिएगा, टाइप्स ऑफ डिटोनेटर या क्लासिफिकेशन ऑफ डिटोनेटर, ठीक है, ये सब चीज होता है। तो देखिए पहले तो इनमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद फिर मैनुअल क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे से भी ना गलती हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके चलते मिसफायर होता है उसको देखते हैं, उसके बाद मैनुअली क्या प्रॉब्लम हो सकता है इंसान से वो देखते हैं। डिटोनेटर है, डिटोनेटर में दो तीन तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात तो ये डिटोनेटर ये डिफेक्टिव हो, डिटोनेटर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या हो, डिफेक्टिव हो, या इसका डिटोनेटर लीड जो है टूटा हुआ हो, डिटोनेटर लीड्स ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो, या डिटोनेटर लीड्स का शॉर्ट सर्किट हो गया हो, ठीक है। तो डिटोनेटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी तीन कारण बनेंगे मिसफायर के। यदि डिफेक्टिव डिटोनेटर है तो एक्सप्लोड नहीं कर पाएगा, ब्रोकन डिटोनेटर लीड्स है तो उस पर्टिकुलर होल में वो करंट पास नहीं कर पाएगा और गड़बड़ा जाएगा होल, मिसफायर मतलब ब्लास्टिंग ही ना होना, ठीक है। हम डेफिनेशन भेजे देख लीजिएगा, शॉर्ट सर्किटिंग, डिटोनेटर लीड्स जो है आपस में जुड़ जाना तो भी ब्लास्टिंग नहीं होगा। एक्सप्लोसिव, चाहे आप कोई प्रकार का एक्सप्लोसिव यूज करें, एसएमई है, एसएमएस है, या एलडीएनपी है जो कॉर्टिस फॉर्म में आता है ओपन कास्ट में, वो उसका बेड क्वालिटी होना, बेड क्वालिटी खराब क्वालिटी का होना, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के चलते हुआ हो या स्टोरेज के चलते हुआ हो। लेकिन हम तो डायरेक्ट यूज न कर रहे, जो यूजर है उसको यदि बेड क्वालिटी मिला है तो वो तो सफर करेगा ना काहे से, मिसफायर के चलते। शॉर्ट फायरिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो डिफेक्टिव ही हो, जो बन के आया वही डिफेक्टिव है, या फिर उस शॉर्ट फायरिंग केबल में टूटा हुआ शॉर्ट फायरिंग केबल हो, या शॉर्ट फायरिंग केबल का शॉर्ट सर्किटिंग हो गया हो, ये शॉर्ट फायरिंग केबल के कारण में आ जाएंगे, ठीक है। नोनेल या डिटोनेटिंग फ्यूज जो हम इस्तेमाल करते हैं इनिशिएशन के लिए, हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो नोनेल इस्तेमाल करते हैं या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज है जिसको शॉर्ट में डीएफ बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, इनका भी क्वालिटी खराब होना। तो ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग और अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग का तरीका अलग अलग है, वहां हर होल में इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जाता है अंडरग्राउंड में, पता है ना, ओपन कास्ट में हर होल के अंदर नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जाता है जिसको हम नोनेल बोलते हैं,
ठीक है, यहां सिर्फ एक, यहां एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का जरूरत होता सबसे आखिरी में, ठीक है, ओपन कास्ट में, जबकि वहां हर होल के अंदर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जाता है। इतना क्लियर है ना जी। और ये नोनेल के अंदर जो डिटोनेटर है उसको शॉक कहां से भेजेंगे, वो जो एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के माध्यम से। और ये इसके अंदर जो नोनेल रहेगा, नोनेल में जो डिटोनेटर रहता है नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, वो ब्लास्ट होगा तो वो ब्लास्ट पूरे एक्सप्लोसिव चार्ज को नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, कास्ट बूस्टर या जिसको हम बूस्टर बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फूटेगा तो कास्ट बूस्टर को फोड़ेगा, कास्ट बूस्टर फूटेगा तो पूरा आपका एक्सप्लोसिव चार्ज जो है होल के अंदर वो ब्लास्ट होगा। या हम डिटोनेटिंग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों का जो दो में से कोई एक ही ना एक टाइम पे यूज कीजिएगा, तो उन दोनों का भी क्वालिटी कैसा होना, खराब होना, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा कारण जो है मैनुअली कारण होता है कि कनेक्शन खराब होना, बेड कनेक्शन होना। और ये शॉर्ट वायरिंग केबल का कई बार कंप्लेंट आता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, टूट गया, ठीक है, ब्लास्टिंग नहीं हो पाया, या डिटोनेटर का खराब होना, ये तो आम बात है। इसके अलावा बेड कनेक्शन होना भी एक कारण है। या कभी कभी ओपन कास्ट में हमको एक दिन में 1200 1300 1400 होल करना है, डिफरेंट प्लेसेस में करना है, हड़बड़ी में क्या हुआ, कहीं एक कांधक होल का या दो चार होल का कनेक्शन ही छूट गया, तो जब कनेक्शन ही छूट गया तो ब्लास्टिंग कहां से होगा उसका, वो भी एक कारण था, तो बेड कनेक्शन में ना गया। देखिए ये हम आपको पॉइंट समराइज कर दिए, डिफेक्टिव डिटोनेटर, ब्रोकन डिटोनेटर लीड्स, बेड क्वालिटी एक्सप्लोसिव, डिफेक्टिव और ब्रोकन शॉर्ट वायरिंग केबल, बेड कनेक्शन, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द केबल और डिटोनेटर लीड्स, और बेड क्वालिटी, नोनेल और डिटोनेटिंग फ्यूज, दीज आर द कॉजेस ऑफ मिसफायर इन ओपन कास्ट माइंस। हम देखेंगे अब डीलिंग विद मिसफायर।